नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। झारखंड में ट्रैफिक को लेकर पिछले दो दिनों से चलाई जा रही मुहिम आज नाबालिग स्कूली बच्चों पर भारी पड़ गई है। आपको बताते चले कि बोकारो के नया मोड़ में ट्रैफिक को लेकर मुहिम चलाई जा रही है, तभी कुछ स्कूल के बच्चे तेज रफ्तार और बिना हेलमेट लगाए आते देख ट्रैफिक डीएसपी पूनम मिंज के अगुवाई में जांच के हत्थे नाबालिग स्कूली बच्चे चढ़ गए। वहीं अबकारिता विभाग के अधिकारी भी ट्रैफिक के हत्थे चढ़ गए। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रैफिक डीएसपी पूनम मिंज ने कहा कि अभी तो हम लोगों ने बच्चों को चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं, आगे से अगर ये ट्रैफिक को उल्लंघन करते मिले तो इनका भी चालान काटा जाएगा। साथ ही इनके अभिभावकों व स्कूल के प्रिंसिपल को भी इस संबंध चेतावनी दी गई है। एग्जाम होने के कारण बच्चों को समझा बुझा कर छोड़ दिया गया है। शेखर की रिपोर्ट। जी मैडम, आज ये बताया जाए कि आप लोग की कार्रवाई की है, गाड़ियों को पकड़े, इसमें जो अंडर एज के बच्चे पकड़ाए इस पर आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स पर या जो अभी स्कूल में अलाउ किया जा रहा है ऐसे बच्चों को आने के लिए गाड़ियाँ ले करके, जिनको कि अभी लाइसेंस भी नहीं मिला है। हम लोग स्कूल प्रशासन से और गार्जियन से हमेशा जब भी इस तरह के बच्चे पकड़े जाते हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि कोई भी अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए अलाउ ना करें, क्योंकि बच्चे घर से ही गाड़ी लेकर निकलते हैं और अभी जैसे परीक्षाएँ चल रही हैं तो स्कूल को भी मालूम है कि बच्चा बाइक से आ रहा है, तो वहीं पर हम स्कूल से भी बात करते हैं और बच्चों के अभिभावक से ही बात करते हैं, अपील करते हैं कि ये बच्चों को ऐसे परमिशन ना दें, उसे घर पर या स्कूल पर उनको इसके लिए मना करें। मैडम, ये कितना घातक हो जाता है, चूँकि ये बच्चे जिनको ट्रैफिक रूल का भी आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं है और ऐसे में ये गाड़ियों को लेकर निकलते हैं। उन्हें समझाया जाता है कि जब तक 18 साल के नहीं हो जाते और प्रॉपर मतलब चलाना गाड़ी नहीं सीख जाते तब तक उनको लाइसेंस नहीं बनेगा, और जब तक वो लाइसेंस नहीं बनता तब तक वो चलाने के लिए अधिकृत ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।